जैसा कि आप देखें कि इंग्लिश में पहले भी हमने ग्रामर सेक्टर शुरू किया, सबसे पहले हमने ग्रामर सेक्टर शुरू किया ताकि आप लोग को ढंग से ग्रामर आ जाए, उसके बाद आप लोग लिटरेचर पर बढ़े। उम्मीद करते हैं कि हर एक क्लास का दो दो चैप्टर ग्रामर आपका हो गया होगा पढ़ाई। तो कुछ बच्चे का डिमांड था कि सर लिटरेचर अभी शुरू नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा कि सही बात है, लिटरेचर अभी तक शुरू नहीं हुआ, तो आज हम आप लोग के सामने लेके आए हैं लिटरेचर, जो कि आपका बेहद ही अच्छा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि लिटरेचर जो होता है हमारा भाषा का जो भी है वो होता है। तो लिटरेचर हम लोग पढ़ते हैं तो ग्रामर उसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ग्रामर ग्रामर पे आप कमांड कर लिए तो आपका लिटरेचर बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग घर में हैं, सुरक्षित है, कुछ दिन से आप देख रहे होंगे हर एक क्लास का वीडियो आपके पास पहुंच रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का, और साथ में हर एक संडे को आपको ऑनलाइन क्या बोलते हैं वो क्यूज कंपटीशन हो रहा है, और कोई भी बच्चे इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे, आपको ऑनलाइन क्यूज आपको व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे क्वेश्चन हर एक संडे को, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम लेके आए हैं क्लास टू का इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर वन, जो कि है द फॉक्स एंड द बियर। तो आज हम लोग इसमें फॉक्स और बियर के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे जो बच्चे बुक नहीं खरीदे जल्द से जल्द खरीद ले, मार्केट खुल गई है, पूरी तरह से गाड़ी चलने लगी है, और उम्मीद है कि हम लोग का स्कूल जल्द से जल्द खुलेगा, ठीक है। और जो बच्चे वीडियो को इग्नोर कर रहे हैं प्लीज डोंट इग्नोर द वीडियो, बिकॉज हमारा पैराडाइज फैमिली जो है, हमारा पैराडाइज एरिया स्कूल जो का जो फैमिली है, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे कि आप लोग को शिक्षा में कोई कमी ना हो, इसलिए हम लोग वीडियो क्लास जहां तक हो पाता सारे व्यवस्था आपके लिए कर रहे हैं। सो गार्जियन लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो गार्जियन लोग से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चे लोग को वीडियो देखने के लिए बोलिए, और जो होमवर्क होता है वो बनाने के लिए बोलिए। तो आज हम लेके आए इंग्लिश लिटरेचर क्लास टू का चैप्टर वन द फॉक्स एंड द बियर, ठीक है। तो हम जैसा कि देख रहे हैं हमारा लिटरेचर के बुक में आपका 13 चैप्टर पढ़ने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, और 13 चैप्टर पढ़ने के लिए दिया हुआ है, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान देंगे, जो बच्चे को जहां से भी प्रॉब्लम हो चैप्टर समझने में या कोई मीनिंग में आप कमेंट करें, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्द से जल्द किया जाएगा। कोई भी बच्चे कभी भी होमवर्क में कोई प्रॉब्लम हो आप जल्द से जल्द कमेंट करें ताकि हम आपको आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, ठीक है। शुरू करते हैं, आपके चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर वन है द फॉक्स एंड द बियर, ठीक है। एक स्टोरी है, कहानी है, ठीक है, आपको सुनाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए फॉक्स एंड ए बियर, बहुत सालों पहले की बात है, एक फॉक्स और एक बियर, मींस एक लोमड़ी और एक भालू रहता था, ठीक है। दे वेर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, और वो दोनों जो है एक फॉक्स और बियर, मींस लोमड़ी और भालू, वो आपस में दोस्त थे, ठीक है, गुड फ्रेंड थे, ठीक है, क्लोज फ्रेंड थे, मींस कह सकते हैं एक फ्रेंड होता है जो नॉर्मल फ्रेंड होता है, एक होता है क्लोज फ्रेंड, मींस जिगरी दोस्त बोल सकते हैं, ठीक है। फूड वाज ऑफन हार्ड टू फाइंड, सो वन डे दे डिसाइडेड टू ग्रो देयर ओन फूड, और वो लोग को भोजन मिलने में तकलीफ होती थी, मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता था भोजन के लिए, ठीक है। तो वो दोनों ने सोचा कि क्यों ना फूड को खुद ग्रो किया जाए, खुद ही मतलब उत्पाद किया जाए, समझ रहे हैं, भोजन मिलने में प्रॉब्लम होती थी, तो उसी कारण से दोनों ने डिसाइड किया कि भोजन को खुद ग्रो करेंगे, ठीक है, मतलब उपजाएंगे, ठीक है, उपजाएंगे। फर्स्ट दे ग्रू सम राइस, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वो दोनों दोस्त ने मिलकर क्या किया कि राइस ग्रो किया, ठीक है। कौन कौन, फॉक्स और बियर, ठीक है। द बियर आस्क्ड हाउ शैल वी शेयर द राइस, और उसके बाद बियर पूछा, मींस भालू पूछा कि हम लोग कैसे बांटेंगे चावल को, हम लोग कैसे बांटेंगे, क्वेश्चन किया फॉक्स से, ठीक है। तो जैसा कि आप देखें कि बोला था बहुत सालों पहले की बात है, एक फॉक्स और एक बियर रहते थे, ठीक है,
दे वेर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, दे वेर वेरी क्लोज फ्रेंड, वो दोनों आपस में कैसे दोस्त थे, घनिष्ठ मित्रता थी, ठीक है, जिगरी दोस्त थे आप कह सकते हैं। सो वन फूड वाज ऑफन हार्ड टू फाइंड, मतलब भोजन की तलाश करने में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत कठिनाई होती थी, ठीक है, इसीलिए सो वन डे दे डिसाइडेड, और एक दिन वो लोग डिसाइड किए कि भोजन खुद ग्रो किया जाए, ठीक है। फर्स्ट दे ग्रो राइस, और सबसे पहले वो लोग क्या उपजाए, राइस, चावल, ठीक है। तो द बियर आस्क्ड हाउ शैल वी शेयर द राइस, हम लोग राइस को कैसे बांटेंगे, बियर पूछा फॉक्स से, तब देखिए क्या होता है, ठीक है। यू हैव ऑल द पार्ट्स दैट आर ग्रोइंग अंडर द ग्राउंड एंड आई विल टेक द टॉप पार्ट्स, सेड द फॉक्स। लोमड़ी बहुत चालाक था, लोमड़ी जवाब दिया जब बियर पूछा कि हम लोग बांटेंगे कैसे, ठीक है, तो लोमड़ी ने जवाब दिया, बहुत चालाक लोमड़ी था, लोमड़ी जवाब दिया कि यू हैव ऑल द पार्ट्स दैट ग्रोइंग अंडर द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के अंदर जितना चीज होगा वो तुम्हारा, और ग्राउंड के ऊपर जमीन, जमीन के ऊपर जितना चीज होगा, वो जमीन से नीचे जितना चीज होगा वो तुम्हारा, और जमीन के ऊपर जितना चीज होगा वो मेरा, ऐसा लोमड़ी बोला, ठीक है। When they pulled up the plants, जब प्लांट्स को वो लोग पुल्ड किया मीन्स उखाड़ा, ठीक है, the bear saw that only roots grew under the ground, और उसके बाद भालू ने देखा कि जमीन के अंदर तो सिर्फ जड़ जड़ ही है, ठीक है, जड़, जैसे कोई भी प्लांट का जड़ होता है जमीन के अंदर, ठीक है, तो जड़ ही है, ठीक है। That tasty rice seeds grew over the ground, और जो टेस्टी राइस होता है वो ग्राउंड के तो ऊपर ऊपर उगता है ना, ठीक है। द कनिंग फॉक्स लाफ्ड एंड एट द राइस, और जो वो चलाक धूर्त लोमड़ी था, चलाक लोमड़ी था, वो हंसा और चावल को खाया, ठीक है। नेक्स्ट दे डिसाइडेड टू ग्रो पोटैटो, और वो डिसाइड किया फिर उसके बाद चावल का बंटवारा किस प्रकार हुआ, जमीन के निचला भाग बियर को दे दिया गया, और फॉक्स बोला कि जमीन के ऊपर वाला भाग वो ले लिया। जब प्लांट उखड़ा तो जमीन के नीचे तो जड़ जड़ होते हैं, तो जड़ बियर को दे दिया, और जमीन के ऊपर जो अच्छा वाला राइस होता है वो खुद ले लिया और हंसने लगा, क्योंकि वो एक चालाक लोमड़ी था, ठीक है। नेक्स्ट वो लोग डिसाइड किया, वो दोनों डिसाइड किया कि अब हम लोग को आलू उगाना चाहिए, पोटैटो उगाना चाहिए, ठीक है, आलू उगाना चाहिए, ठीक है। Then it was the time to harvest the crop. The bear said, "This time I will take the top parts." और जब कटने का बारी आया फसल, जो आलू आलू डिसाइड किया था ग्रो करने के लिए, वो कटने का बारी आया तो भालू बोला कि इस बार हम जमीन से ऊपर वाला पार्ट्स लेंगे और जमीन के नीचे वाला पार्ट्स तुम लोगे, ठीक है, ऐसा भालू बोला, ठीक है। द डग अप द प्लांट्स एंड द बियर वाज अमेज्ड टू सी ऑल द पोटैटो व्हिच ले बीनीथ द ग्राउंड, और जब आलू उखड़ा तो ऊपर वाला पार्ट तो सिर्फ लत्ती होता है ना, आलू में सिर्फ पौधा होता है, आलू तो जमीन के नीचे होता है, ठीक है। द फॉक्स लाफ्ड आउट लाउड एंड एट द पोटैटो बट द बियर वाज वेरी सैड, और जब आलू उखड़ा तो जैसा कि बियर बोला था, भालू बोला कि जमीन के नीचे वाला हिस्सा तुम ले लेना इस बार, और जमीन के ऊपर वाला हिस्सा हम ले लेंगे, ठीक है, जैसा कि इसके पहले बार क्या हुआ था चावल में, कि जमीन के ऊपर वाला हिस्सा लोमड़ी बोल दिया कि हम लेंगे, जमीन के नीचे वाला तुम लेना, और इस बार बियर खुद भालू खुद बोला कि जमीन के नीचे वाला हिस्सा तुम लेना इस बार, और जमीन के ऊपर वाला हिस्सा हम लेंगे, लेकिन आलू कहाँ होता है, जमीन के नीचे होता है, तो आलू निकला तो उसके भालू के नसीब में क्या मिला, सिर्फ लत्ती मिला, जो आलू का जो लत्ती होता है प्लांट्स होता है, और आलू किसको मिला, भालू को मिला, भालू फिर हंसा, ठीक है, और आलू को खाया,
बट ये जो बियर है वो उदास हो गया। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि जैसा ये कहानी था द फॉक्स एंड द बियर, इसमें आप लोग को हमने बताया कि जिसे दो दोस्त थे, एक फॉक्स और एक बियर। ठीक है, और ये लोग को भोजन की तलाश करने में प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो इसी के साथ ये लोग डिसाइड किया कि हम लोग खुद अपना भोजन उगाएंगे। तो सबसे पहले ये लोग उगाया चावल, और चावल जब कटने की बारी आई तो पहले ही बोल दिया, फॉक्स मींस लोमड़ी चालाक था, वो बोल दिया कि जमीन के नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा भालू को और जमीन के ऊपर वाला हिस्सा मेरा। तो जब कटा फसल, जब फसल का जब कटाई हुआ तो सिर्फ जड़ी मिला इसको, क्या बोलते भालू को, और चावल सारा ये जो लोमड़ी था वो खा गया और खुश हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये लोग डिसाइड किया कि अब आलू का खेती किया जाए। तो आलू उगाया, जब आलू का मतलब बोल सकते हैं कि कटने का टाइम आया, मीन्स उखाड़ने का टाइम आया, तो भालू बोला कि अच्छा इस बार हम जमीन के नीचे वाला पार्ट नहीं लेंगे, इस बार हम जमीन के ऊपर वाला पार्ट लेंगे और तुम जमीन के नीचे वाला पार्ट लेना। बट भालू को यह नहीं मालूम था कि आलू जमीन के नीचे होता है। अब लोमड़ी तो बहुत खुश था, जब आलू उखड़ा तो जमीन के नीचे सिर्फ आलू था, तो आलू मिला किसको, लोमड़ी को, और सिर्फ जो लत्ती प्लांट्स था वो मिला भालू को। तो फिर से लोमड़ी खुश हुआ और आलू को खाया, और बियर जो है फिर से उदास हो गया। ये आपका चैप्टर था। चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर जैसा कि आपका क्लास टू का फर्स्ट चैप्टर था द फॉक्स एंड बियर, आज के लिए चैप्टर इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द, और आप लोग प्लीज जो बच्चे बुक नहीं खरीदे जल्द से जल्द खरीद लेंगे, वीडियो को इग्नोर बिल्कुल ना करें। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई भी करें, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई से बेटर आपके लाइफ में कोई चीज नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपके पास शिक्षा है तो आपके पास सब कुछ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।